हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनदीप कौर सिद्धू शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं विक्रांत कपूर। ही इज द एमडी ऑफ एंजल पैराडाइज प्री स्कूल एंड ग्रेस हेल्थ केयर। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। आज हम बात करेंगे सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप की। मुझे लगता है कि हमने बहुत बार एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस किया है अपने शोज में। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से हमने बात की है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ब्रिंगिंग अ सीरियल एंटरप्रेन्योर जिसने अपने बलबूते पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेंचर स्टार्ट किए हैं एंड हाउ एक्टिव ही इज। सो अ सीरियल एंटरप्रेन्योर इज समवन हु इज एक्सेप्शनली क्रिएटिव इन ब्रिंगिंग अप न्यू बिजनेस आइडियाज and who turns lessons into greatness। कोई भी उसने अपनी जिंदगी में जब different kind of failures देखता है, lessons देखता है और कैसे वो उसको gracefully and with greatness आगे बढ़ता है, so इसकी हम बात करेंगे। and we have a very very good guest with us today, one of the best person I know, so विक्रांत जी, welcome to the show। Thank you Mandeep ma'am, thank you so much viewers। हम जब बात करते हैं तो वी ऑलवेज यू नो डिस्कस की स्कूलिंग कैसा था, कॉलेज कैसा था, बट मैं सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछूंगी कि कैसे आपके मन में आया जॉब नहीं करनी, मैंने अपना बिजनेस खोलना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और आपने जो सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात की है, जो मुझे लगता है समटाइम्स सिंगर्स आर बॉर्न, समटाइम एक्टर्स आर बॉर्न बाय नेचर, सो आई थिंक बाय नेचर आई एम एन एंटरप्रेनर। सो सिंस चाइल्डहुड आई लाइक टू डू थिंग्स ऑन माई ओन एंड यू नो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू थिंग्स ऑन माई ओन। आई गॉट मैरिड इन समवेयर अराउंड 2005 एंड मी एंड माई वाइफ वी बोथ हैड अ बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, सो वी जस्ट फेल्ट दैट देयर इज सो मच ऑफ एट दैट टाइम। उस टाइम क्या था कि स्कूल्स जो थे वो सिर्फ सीनियर सेकेंडरी होते थे और जो छोटे बच्चे थे यानी कि 2-3-4 साल के, उनकी जो ब्रेन ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है व्हेन दे आर यंग। एज पर साइंस ओनली 88% ब्रेन ग्रोथ हैपेंस ड्यूरिंग 2, 3 एंड 4 ईयर्स। और वो ऐसी सेगमेंट थी जो बिल्कुल इग्नोर थी, बिकॉज जो बड़े स्कूल थे वहां पे इतने उनके लिए कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना ही कोई उस वक्त प्री स्कूल थे। मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि दे नीड समथिंग कि जहां पे उनकी ब्लॉसमिंग और डेवलपमेंट पूरी हो सके। एंड वी फील दैट देर आर डिफरेंट ग्रोथ्स इन द चाइल्ड, जिसमें बच्चे की सोशल, इमोशनल, मेंटल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, स्पिरिचुअल, ऐसी ग्रोथ्स आती हैं। तो अगर आप एक जगह बच्चे को बिठा देते हो पूरा दिन डेस्क बेंच के आगे, तो ये ग्रोथ्स अपने आप ब्लॉक हो जाती है और बच्चा एक सीरो टाइप बच्चा बन जाता है, जैसे हमारे जनरल लोग बन जाते हैं। तो वी फेल्ट वी नीड टू कम अप विद द नोवल आइडिया। देन वी केम अप विद द थीमेटिक अप्रोच ऑफ एजुकेशन। वी डिजाइंड 8 different kind of rooms इन द स्कूल। एक रूम डेडिकेटेड था मेंटल ग्रोथ के लिए, एक रूम डेडिकेटेड था एस्थेटिक ग्रोथ के लिए, एक रूम डेडिकेटेड था म्यूजिकल ग्रोथ के लिए, एक रूम डेडिकेटेड था इमोशनल ग्रोथ के लिए। तो वेन वी डिड दिस एंड नो चाइल्ड हैड टू सिट एट अ वन प्लेस एंड ऑल ऑफ अ सडन एंड यू नो बच्चों को अलग अलग रूम्स में जाने का मौका मिलता है, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। एंड दिस कंसेप्ट स्टार्टेड पिकिंग अप विद द पेरेंट्स एंड पेरेंट्स स्टार्टेड लविंग अस एंड देन डेफिनेटली वी स्टार्टेड विद जस्ट 2 students एंड फॉर अबाउट 20 days वी वर जस्ट विद 2 students एंड ऑल ऑफ अ सडन द थिंग स्टार्टेड हैपनिंग एंड विद इन 2 months वी टच्ड 50 एंड विद इन 4 months वी टच्ड 100 एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक एंड वी हैव ओपन्ड 26 branches रिसेंटली ऑफ एंजल्स पैराडाइज। सो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि विक्रांत जी वन ऑफ द फेमस प्री स्कूल चेन एंजल पैराडाइज रन करते हैं एंड दैट टू फ्रॉम अमृतसर, क्योंकि बहुत बार मैं अपने शो में बताती हूँ कि हमारे लोकली इतने पैशनेट एंटरप्रेन्योर्स हैं कि हम इजिली उनसे इंस्पायर हो सकते हैं और अपना कुछ डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। सो जैसे मैं विक्रांत जी को पूछ रही थी कि व्हाई नॉट जॉब बट दिस अ बिजनेस, सो उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को अंदर से ही दे आर गॉड गिफ्टेड ऑल्सो, उनके अंदर मन से ही होता है कि हाँ आई शुड गो विथ समथिंग ऑफ माई ओन, बिकॉज उसमें कैपेसिटी होती है किसी छोटी चीज को यू नो बड़ा करने। अगर हम बात करें कि मेथड्स ऑफ टीचिंग इन अ प्री स्कूल, सो इस पे आपकी क्या रिसर्च रही एंड व्हाट यू अप्लाई इन योर एंजल पैराडाइज। देखिए, अगर हम ये बात माने कि अगर आप एक गार्डन की एग्जाम्पल लें, माली जब गार्डन में जाता है वो पौधे को खुद नहीं खींच के बड़ा करता, उस बीज में वो सारी क्वालिटीज होती हैं फ्लावर में कन्वर्ट होने की और उसको बड़ा पौधा बनने की, पर उसको राइट टाइम पे सही मैन्योर चाहिए, राइट टाइम पे उसको धूप चाहिए, राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए।
सेम विद द चिल्ड्रन. कुदरत ने या ऊपर वाले ने जब बच्चा पैदा करता है तो वो सारे गुण दिए होते हैं. बच्चे को माहौल देना चाहिए हमें. अगर कोई टीचर कहता है मैंने बच्चे को पढ़ाना है या मैंने बच्चे को बनाना है, तो कहीं ना कहीं वो टीचर को समझना चाहिए कि बच्चे को ऊपर वाले ने या कुदरत ने ऑलरेडी बना के भेजा हुआ है, आपको सिर्फ ओपन करना उस बच्चे को. यू नीड टू गिव दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट टू द चाइल्ड जहां पे वो खुद ग्रो हो सके, खुद एक्सप्लोर कर सके. और आपने बच्चे देखे होंगे कि बच्चों को सब कुछ खुद करना होता है. अगर आप उनको खुद नहीं करने देते हो तो बच्चे चीखते हैं कि मुझे करना है. और हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चों को इतनी लिबर्टी नहीं देता, क्या है कि बच्चे ये क्या करेंगे, हमने करवाना है. बट इट शुड बी अदर वे अराउंड. बच्चों को लिबर्टी दो बट इन अ सुपरवाइज एंड सेफ एनवायरमेंट, बच्चे अपने आप फूल की तरह ग्रो हों. हम थोड़ा सा पैंडेमिक की बात करते हैं कि आपने बोला कि जो 2-3-4 इयर्स में इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज अप टू द 5, राइट? सो देर आर सो मेनी किड्स की जो 2-3-4-5 वाली एज में जा ही नहीं पाए प्री स्कूल. What do you think कि अब जो धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा या खुल रहा है, what should be the approach of the parents? This is a pain also to my heart that this is a reality happening. कि बच्चे 4 साल के हो गए हैं, 4.5 साल, 5 साल के हो गए हैं, कहाँ उनकी ग्रोथ कहाँ हो जानी थी, एंड पेरेंट्स आर कन्फाइनिंग देम बिकॉज ऑफ सो मेनी reasons. डर हो गया या सुनी सुनाई बातों से या यू नो वॉट एवर अदर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दे हैव. इट इज अ वेरी पेनफुल थिंग. देखो, जब भगवान ने बच्चा आपके घर में पैदा किया, द चाइल्ड इज थ्रू यू नॉट फ्रॉम यू. वो बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पहले कहीं ना कहीं आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो ऊपर वाले ने आपको जिम्मेदारी दी है वो आपको निभानी पड़ेगी, जैसे मर्जी निभाओ. यू कैनॉट वेट फॉर द राइट टाइम कोरोना टू गो अवे. पेंडेमिक आज तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, ना ही कोई कर पा रहा है. तो डोंट प्ले विद द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड. जिस वक्त बच्चे के लिए जो चीज जरूरी है उसको देनी ही पड़ेगी. एज अ पेरेंट आपकी ये जिम्मेदारी ऊपर वाले ने दी है. सो प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक. बच्चे के बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल इयर्स जो हैं सफर हो रहे हैं. प्लीज डोंट डू इट. दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स. द सिनेरियो ऑफ प्री स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ. बिकॉज You have grown from 1 to more than 25 schools in Punjab. Is it only in Punjab right now, or how people can have the franchisee of Angel Paradise in their city? I have my branches in Punjab. I have got my branches in Haryana, and we are in mode of expanding also further in throughout the India. Franchisee ki dekhiye, mujhe kahan pe ek badi win-win situation lagti hai. There are so many housewives jo ek sapna rakhti hain kuch kar dikhane ka, apni pehchan banane ka. There are so many people jinke paas ek लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है. मेरे पास ये जी कुछ लाख रुपए ही हैं, 2-4 लाख, 5 लाख रुपए, पर मुझे अपना कुछ करना है. सो देयर इज वेयर प्री स्कूल कम्स इन प्ले. प्री स्कूल एक बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट है, पर आपका जो एंटरप्रेन्योर बनने का सपना है या अपना कुछ लाइफ में या एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, सो दैट इज वेरी यूजफुल. तो जहां तक फ्रेंचाइजी का सिस्टम है, दैट वी स्टार्टेड अमृतसर में. सारी ब्रांचेस मेरी हैं. वी हैव गॉट 4 ब्रांचेस ऑफ एंजल्स पैराडाइज. टू रीच आउट वी फेल्ट दैट इन बच्चों को बहुत केयर चाहिए. वी कैनॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर. सो वी फेल्ट दैट पीपल लाइक अस, लाइक माइंडेड पीपल लाइक अस हु वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड चिल्ड्रन, उनको सर्च करके हम अपने हिसाब से ट्रेनिंग देंगे और उनको अपने लेवल का लेके आएंगे, सो दैट दे कैन ऑपरेट, दे कैन थिंक इन द सेम वे. वो एंटरप्रेनर्स भी बन रहे हैं, उनको एक पहचान भी मिल रही है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है समाज में और शहर में. अलग अलग शहरों में बच्चों का भला हो रहा है एक नई तरह की एजुकेशन को पाके, ब्लॉसमिंग करके. तो फ्रेंचाइजिंग इज अ वेरी गुड सिस्टम जहां पे आप ओनर भी हो अपने प्रोजेक्ट के, अपनी चीजों के, साथ ही साथ आपको एक बना बनाया ब्रांड नेम, बना बनाया मॉड्यूल, बनी बनाई सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ दैट फील्ड. फंड्स की हम बात करें, क्योंकि वही कि 3-5 लाख एनीबडी कैन, यू नो, जिसने बिजनेस खोलना या ज्यादा भी हो तो दे कैन थिंक ऑफ, क्योंकि हर कोई अपना कुछ करना चाहता है. So what all other requirements are there to open a franchisee? Okay, as far as franchisee of school is concerned, हमारा ये पहला क्राइटेरिया होता है कि किसी अच्छी लोकेशन में, सिटी के जहाँ पे आसपास डेंसिटी पॉपुलेशन है. बिकॉज ये बच्चे 1-3 किलोमीटर से ही पास आते हैं आपके, कोई 10 किलोमीटर दूर से नहीं आते, बिकॉज ये बच्चे बहुत छोटे हैं. तो डेंसली पॉपुलेटेड में आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, मीन समवेयर अराउंड 250 square yards और 300-400 square yards और एक अच्छी बिल्डिंग हो, और जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एजुकेशन की तरफ पैशन होना चाहिए. वो मेरा क्राइटेरिया है. माय सेकंड क्राइटेरिया इज द इन्वेस्टमेंट पार्ट. मैं सिर्फ आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं कि मुझे आज इतने पैसे लगा के इतने कमाने, बेटर है
कि आप बैंक में रख दें, शेयर मार्केट में लगा दें, स्कूल इज ओनली फॉर द पीपल जो लोग वाकई कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए करना चाहते हैं, तो वी लुक फॉर दोज काइंड ऑफ पैशनेट पीपल. ऑफकोर्स मुश्किल होती है ऐसे लोग ढूंढने, बिकॉज मोर ऑफ द पीपल आर इंक्लाइन टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाया कमा ले. बट वी रियली फील दैट मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड सर्विसेज. जो फीस है बच्चे की या कुछ भी, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे, पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी टू पे यू एनी काइंड ऑफ फीस. आपने देख रही है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज पूरे वर्ल्ड ओवर लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करती है और हम हैप्पीली भेजते हैं, बिकॉज हमें वहां पे बच्चे का भविष्य दिखता है. सो मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द राइट काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी माइंडसेट पीपल, एंड देन वी ट्रेन देम, देन वी ग्रूम देम, देन वी नर्चर देम. और आज की डेट में मेरे सारे फ्रेंचाइजी बहुत सक्सेसफुल हैं. They are very happy doing their work और prosper कर रहे हैं, उनके बच्चे prosper कर रहे हैं. हम बात कर रहे थे serial entrepreneur की. This is one of his venture Angel Paradise which is very very successful. और हमने बात की Angel Paradise की services की, methods of teaching की, हमने franchise की बात की. You can always get in touch with Vikrant sir. You know there is lot to learn from him. So ये भी इनकी speciality है. अब हम आएंगे ग्रेस हेल्थ केयर पे, क्योंकि जब कोविड टोटली एट पीक, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पाइनियर मैं कहूंगी इंडिया में, कि जिसने सबसे पहले कोविड एसेंशियल्स का स्टोर जो है बनाया था, एंड फुल फ्लैश दे हैव गॉट ऑनलाइन. क्योंकि एकदम प्री स्कूल्स या किसी भी तरह का बिजनेस जो है उसने एक टेम्परेरी हॉल्ट हो गया था, बट उसी वक्त आपके दिमाग में एक न्यू आइडिया आना और अगेन यू आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस. हाउ द आइडिया ऑफ ग्रेस हेल्थ स्टोर यू नो केम टू योर माइंड? मतलब एक दो महीने में आप छा गए थे पूरा. यस यू आर राइट. और जैसे आपने एंटरप्रेन्योर के बारे में बताया, एंड आई थिंक आई एम एंटरप्रेन्योर इन एवरी वे. बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन द अर्थ वॉज कोविड, और कोविड का सोल्यूशन था उसके एसेंशियल्स. हॉल्ट पे तो बहुत चीजें आ गई थी लाइफ में. मैं हिम्मत मारने वालों में से नहीं हूँ, और कुछ भी हो जाए आई कीप ऑन वॉकिंग, आई कीप ऑन रादर, एंड यू नो जब भी एडवर्सिटी आती है आई टेक इट एज अ चैलेंज. और वो एडवर्सिटी थी, और डेफिनेटली उस टाइम पे वी फेल्ट. और सबसे बड़ा मेरा जो ट्रिगर पॉइंट था उसको ओपन करने का, सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये था, व्हेन आई वेंट टू द मार्केट मैंने उसको बोला कि मुझे N95 मास्क चाहिए. उसने मेरे को एक 300 रुपए का N95 मास्क दिया, एंड आई वॉज वेरी बग्ड कि 300 रुपए में इसमें क्या है, 300 रुपए की चीज नहीं जी मिलता नहीं है, आपको पता है इम्पोर्टर्स हैं, ये है वो है. फिर दूसरी चीज ली, सैनिटाइजर लिया, वो इतना महंगा, वो भी इतनी मुश्किल से मिल रहा है, क्वालिटी भी नहीं है. तो आई जस्ट फेल्ट कि देर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग यू नो, और ये लोगों की जरूरत है. सो देन आई स्टार्टेड गोइंग डीप इनटू इट, आई स्टार्टेड फाइंडिंग मैन्युफैक्चरर्स. और जब मैंने देखा कि ये चीजें मैन्युफैक्चरर और जो मार्केट में पहुंचते मिडल मैन बहुत ज्यादा है इसमें, तभी रेट सारे इन्फ्लक्चुएट हो जाते हैं. सो आई सेड व्हाई नॉट टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड फैक्ट्री ओनर्स, एंड टू गिव इट एट अ वेरी राइट प्राइस टू द सोसाइटी पीपल. और वो प्रॉब्लम का बहुत बड़ा सोल्यूशन था, एंड इट वॉज फर्स्ट स्टोर इन इंडिया ऑफ इट्स ओन काइंड, वेयर आई मेड 400 कोविड एसेंशियल प्रोडक्ट अवेलेबल इन अ स्टोर. डेफिनेटली इट वॉज टॉक ऑफ द टाउन, एंड पूरा इंडिया का मीडिया के लिए बहुत बड़ा हॉट टॉपिक था मई में. तो कोविड केम इन अप्रैल, एंड इन मई आई ओपन द स्टोर. सो पूरा इंडिया का मीडिया, आज तक, स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज, जस्ट केम इन यू नो. फिर वो एकदम सबके लिए बहुत बढ़िया आइडिया था कि ऐसे यू नो कुछ है. बाकी ग्रेस इसका नाम ही तभी रखा है कि ग्रेस होनी बहुत जरूरी है. ग्रेस. तो ऑनलाइन की हम बात करें, हाउ मच टाइम यू टुक टू ब्रिंग एवरीथिंग ऑनलाइन, कि कोई भी इंडिया से कहीं से भी कुछ भी खरीदे, मतलब इतनी फास्ट फास्ट आइडियाज कैसे आए आपके पास? जो मैंने एक वेबसाइट बनाई फर्दर gracecard.com. कोई भी वेंचर कर रहे हो एज एन एंटरप्रेनर, तो मेरा ये मानना है कुएं के मेंढक मत बनो. स्काई इज द लिमिट फॉर एन एंटरप्रेनर. और ऑनलाइन से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उस स्काई तक के लिए पहुंचने के लिए. द होल वर्ल्ड इज एट योर रीच. आई जस्ट कंपाइल्ड अ वेबसाइट gracecard.com और सारे के सारे प्रोडक्ट्स उस पर लिस्ट किए. कोई भी चीज कहीं पे भी किसी को नहीं मिल रही थी, वो वहां मिल रही थी. आपने पीछे देखा होगा सेकंड वेव में ऑल ऑफ अ सडन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ. ब्लैक में बिके, लाखों रुपए में बिके, लोग पैसे लेके खड़े थे, उनको फिर भी नहीं मिल रहे थे. ऑन द बेस्ट रेट्स आई प्रोवाइडेड ऑन द gracecard.com. एनी वेयर इन इंडिया आई थिंक आई सप्लाइड सो मेनी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एंड थ्रू दैट वेबसाइट ओनली पीपल केम टू नो कि इनके पास है,
अवेलेबल है और एट बेस्ट प्राइस. देयर इज अ क्लिक ऑफ अ बटन. आई सप्लाई टू एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड इट्स रीच्ड आउट टू पीपल. सो द होल एम ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर इज टू टच द स्काई एंड ऑनलाइन इज द बेस्ट मीडियम टू कैच एंड टच द स्काई. जो प्राइस की बात विक्रांत जी ने की है इट इज वेरी ट्रू. हर चीज जो है वो मिनिमम प्राइस से, मतलब एक नॉर्मल फैमिली जिसकी अर्निंग डेली की 100-200 रुपए हो, वो भी मतलब अपने प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू कोविड वहां से अफोर्ड कर सकती थी. एंड इवन ही सप्लाइड द थिंग्स टू द बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स एंड बेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. कोई लिमिट नहीं है. बट यस, आई डिडंट सी एनी प्राइस फ्लक्चुएशन स्पेशली इन देयर स्टोर, जो कि मुझे भी बड़ा टच किया, बड़ा क्लिक किया. और इसीलिए इतने मीडिया ने कवर किया क्योंकि मीडिया हर किसी को कवर कर सकता था, बट पता था कि प्राइस का फर्क है. क्रांजी टुक दिस स्टेप इन द सिटी कि प्राइस जो है वो बिल्कुल जेन्युइन रखना है कि कोई भी आए तो वो अपने मुताबिक अपनी चीज जो है वो अफोर्ड. अगर हम इनके बिजनेस की ना भी बात करें, अपने आप में एक बिजनेस है और तरीके के एंटरप्रेन्योर है, एक सेलिब्रिटी है. ही लव्स म्यूजिक एंड ही ऑल्सो सिंग्स. ही इज अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर. अगर हम बिजनेस की बात ना करें क्रांजी, सो व्हाट एल्स यू डू? अब म्यूजिक की बात आप कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स इन माय सोल. आई एम अ म्यूजिशियन बाय सोल. मेरे लिए म्यूजिशियन मींस होता है कंप्लीट. आई राइट सॉन्ग्स, आई कंपोज देम, आई सिंग देम, आई रिकॉर्ड देम, इवन डायरेक्शन स्टोरीज, जो डायरेक्शन होती है और इवन उसकी स्टोरी राइटिंग कैसे बनेगा. सो आई लव डूइंग दैट. एंड परहैप्स जैसे कहते हैं ना, वो मैंने बात की, मेरे में एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट अंदर है सिंस चाइल्डहुड. एंड एट द एज ऑफ 3 आई स्टार्टेड लर्निंग म्यूजिक. And since that, I've been very passionate. And right now, just before 2-3, this should mean to me, is it like so much of money, so much of work or something else? Then I felt if somebody can follow his passion and stay smiling throughout the life and contribute to other people's life, that is the real success. So somewhere I felt that I was not following my passion, what gave me real happiness, that was music. So since 2 years, I started making videos on different social reasons, social cause, child psychology and other things. They have been loved by the people aur mujhe bhi acha lag raha hai because mera passion hai aur log pyar kar rahe hain aur mujhe us field mein grow hoke bada acha lag raha hai. And I like to write more aur is mahine bhi mere 2 gaanon ki recording hai, uske upar work kar raha hu. Ek motivational song hai, wo main bana raha hu. It's for the motivating entrepreneurs and everything. Aur ek main bhajan bana raha hu which I'm going to shoot in Himachal Pradesh. I get different kind of ideas because entrepreneurship is all about ideas. So when I get an idea, acha aisa kuch karte hain, then I start writing, then I start composing, then I start recording aur fir uski storyline dhoondna. There is a deep hidden message for the society ki how we should be. Aur mere ko bahut acha lagta hai jab log kehte hain ki us gaane ke through उनकी लाइफ में चेंज आ रहा है. तो आई रियली फील कि उस लेवल पे अगर आप लाइफ को कंट्रीब्यूट करो लोगों के, दैट इज द रियल सक्सेस. यू कीप योरसेल्फ सो बिजी मिनट टू मिनट. इतना लोग कहते नहीं कि इतना क्या जरूरत है अपने आप को बिजी करने की. बिजी मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं मानता हूँ बिकॉज दिस इज द आर्ट ऑफ वर्क. एंटरप्रेनर होना अकेला काफी नहीं है. कोई भी बिजनेस या कोई भी काम करना, शुरू करना सबसे इजी चीज है दुनिया. उसको मेंटेन करके ग्रो करना और अपने आप को फ्री रखना मेंटली सो दैट यू कैन गो नेक्स्ट लेवल. आप अगर उसी सर्कल में फंसे हुए, आपने एक एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च कर ली है, आप ऑपरेशंस में ही फंसे हुए हो, आप ग्रो नहीं करोगे, देन यू आर नॉट द रियल एंटरप्रेन्योर. एक तरह के आप मजदूर बन गए हो, अपने ही बिजनेस के गुलाम हो गए हो. एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड हैव विंग्स टू फ्लाई. एज एन एंटरप्रेन्योर आपका विजन होना चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए कि ये चीज मेरी स्टार्ट हो गई है, अब मुझे इससे अगले लेवल पे कैसे जाना. आई बिलीव इन एम्पावरिंग पीपल, आई बिलीव इन मेकिंग मोर लीडर्स लाइक मी. अब मेरे जितने भी स्कूल्स हैं, ब्रांच हेड्स हैं, टीचर्स हैं, दे आर वेरी वेल एम्पावर्ड. दे नो हाउ टू टेक द डिसीजंस, दे नो हाउ टू टेक द करेक्ट डिसीजंस. वी अलाइन द गोल्स टुगेदर कि दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. गोल इज वन फॉर द होल पीपल. सो देर आर नॉट माई डिफरेंट गोल एंड माई स्टाफ डिफरेंट गोल. So it's just one goal and we work towards one goal. So I am there to progress for the whole organization. As an entrepreneur, you need to be visionary. और अपने vision को ही आपको ध्यान रखना है. I am a deep meditator. मैं दिन में 2 घंटा 1 घंटा meditation करता हूँ, which I feel that helps me to stay more focused and clarity of thoughts comes from meditation. So I'll recommend all the entrepreneurs to meditate. Don't miss that out. That will make you more brighter and more fertile in your brain. अब बात करते हैं जो मेरा favorite portion है interview का, Amritsar Founders. So Amritsar Founders is like it's an entrepreneurs community. मैं खुद इसकी member हूँ. और सर जो हमारे साथ बैठे हैं विक्रांत सर, ही इज द चेयरमैन ऑफ द करंट ईयर फॉर अमृतसर फाउंडर्स.
and he's leading a team of entrepreneurs and helping us to grow our businesses. हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे लिए डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज हो रही हैं. यू नो आई हाईली रिकमेंड एवरीबॉडी टू जॉइन अस इन अमृतसर फाउंडर्स. अमृतसर फाउंडर्स सर, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए ऑडियंस को, हाउ यू आर फीलिंग एज अ चेयरमैन और हम उसमें क्या क्या कर रहे हैं. देखो, जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, इट्स नॉट अ लोन बैटल. एंटरप्रेन्योर हमेशा ही लोन बैटल लड़ता रहता है. उसको लगता है मैंने अपना काम शुरू किया है तो मैंने ही अपना काम संभालना है. उसी कारण वो स्ट्रेस में चले जाते हैं. और आपने एक स्टडी भी देखी होगी ऑनलाइन, गूगल वगैरह कहीं पे, 60% ऑफ बिजनेस इज शट डाउन इन 2 ईयर्स, देन फर्दर 20% ऑफ बिजनेस इज शट डाउन विद इन 15 ईयर्स, बाकी बिजनेस दे शट डाउन ऑन सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन. होता क्या है कि एक अकेले जब आप अपनी लड़ाई समझ लेते हो, ये मेरी एंटरप्रेन्योरशिप है तो मुझे ही संभालना है. जब आप एक प्रॉपर इकोसिस्टम के साथ जुड़ जाते हो जहां पे लाइक माइंडेड पीपल हैं एंड यू आर थिंकिंग अलाइक एंड एवरीथिंग, आपको लगता है जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो सभी की कॉमन प्रॉब्लम है. भाई मैं छोटी सी प्रॉब्लम रहे तो कैश फ्लो, एज एन एंटरप्रेन्योर अगर मैं अकेला हूं तो मुझे लगेगा हाय मेरे को कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, मैं सैलरीज कहां से दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं आते ही नहीं है, उससे पहले चले जाते हैं, ये प्रॉब्लम. जब हम एज एन एंटरप्रेन्योर एक कम्युनिटी के साथ जुड़ते हैं तो रियलाइज कि हर एक के साथ प्रॉब्लम है, एंड देन वी शेयर कि हमें कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर आना है. तो देन वी कंडक्ट वेबिनार्स ऑफ एक्सपर्ट्स, देन वी हैव पैनल डिस्कशंस, देन वी डिजाइन हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर. सो जब एक इकोसिस्टम मिल जाता है प्रॉपर एंटरप्रेन्योर्स को तो कहीं उसकी अकेले की जंग नहीं रहती है वो एंटरप्रेन्योरशिप. तो इकट्ठे मिलकर जब हम ग्रो करते हैं उसी को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, कि आप एक इकोसिस्टम के साथ जुड़ के ग्रो करें तो आपका असली ग्रोथ हो. यू नो एट टाइम्स हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो बाहर जाना चाहते हैं, मे बी कनाडा और मे बी अमेरिका और मे बी दिल्ली और मे बी बॉम्बे, बट व्हाई डू दे फील कि यहाँ पे हमें जॉब नहीं मिलेगी, यहाँ पे हमें कोई पूछेगा नहीं, हमारा कोई कदर नहीं डलेगी, हमारा ये नहीं होगा. इट्स अ मिसकंसेप्शन. जो वहां के लोगों की प्रॉब्लम की सोल्यूशन आप देने जा रहे हो वो प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी है जी. आप सोल्यूशन देने वाले बनो, क्यों नहीं. आप इंडिया में नेगेटिव हो जाते हो और एक समाज में जब नेगेटिविटी फैलती है, इस शहर में कुछ नहीं रखा, इस देश में कुछ नहीं रखा, तो एक ट्रेंड बन जाता है. माँ बाप भी कहते कुछ नहीं रखा. आप जब चैलेंज लेके कुछ करोगे उसी को सच्चा एंटरप्रेनर कहते हैं. अगर आप ट्रू एंटरप्रेनर बनना चाहते हो तो टेक चैलेंजेस और उसी में मजा. और आपकी जो कदर यहां पड़ेगी ना एज एंटरप्रेनर, आपकी कनाडा में नहीं पड़ेगी. सो अगर आपने किंग बनना है, अपनी मिट्टी में किंग बनिए. अमृतसर फाउंडर्स की हमने बात की, मैंने बताया कि मैं भी इसकी मेंबर हूं एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर मेंबर्स अलोंग विद अस. एंड उसमें भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं इन अमृतसर फाउंडर ऑल्सो जिन्होंने अपने बिजनेसेस पे काम कर रहे हैं. एंड दैट बॉयज यू नो दे हैव स्टडीड इन कनाडा, दे हैव स्टडीड इन IITs, बट दे आर वर्किंग फ्रॉम अमृतसर. उन्होंने भी इतना करेज अपने आप में पैदा किया है कि अगर हम कनाडा में भी पढ़े हैं या हम IITians हैं, फिर भी हम जो अपने अमृतसर में अपने एरिया में बिजनेस खोलेंगे और यहाँ पे उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे. सो जैसे विक्रांत जी ने स्पेशली मेंशन किया कि हम देयर इज लॉट ऑफ ब्रेन ड्रेन गोइंग ऑन एंड वी आल्सो एज अ कम्युनिटी आर ट्राइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर इकोसिस्टम, कि ऐसा ना हो कि अच्छे बच्चे जो सारे बाहर जाने को चूज करें. एंड वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट एज अ कम्युनिटी that we should be able to motivate more and more people to become entrepreneurs. Last में आप budding entrepreneurs जो हैं उनके लिए कोई message दें. Budding entrepreneurs के लिए मैं एक बड़ा प्यारा सा शेर कहूंगा. मेरी हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह कि खुद को पत्थर की तरह तराशा होगा. जो आज हंस रहा है उसने दर्द को पाला होगा. बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, जो चलेगा उसी के पांव में छाला होगा. तो ये बहुत जानना जरूरी है कि स्ट्रगल से हमें घबराना नहीं है, हार से हमें घबराना नहीं है, फेलियर से हमें घबराना नहीं है. अगर खुद को तराशने की जर्नी में जाओगे ना, उससे बड़ा लाइफ में कोई रस नहीं है, उससे बड़ा कोई लाइफ में नशा नहीं है. तो अपने आप को तराशिए, ग्रो करिए. एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है एंटरप्रेनर्स के लिए. उस रास्ते पे चलिए, सीखते जाइए, ग्रो करिए, अपना भी जिंदगी सुधारिए और अपने आसपास के लोगों की भी जिंदगी सुधारिए. सो थैंक यू सो मच विक्रांत जी. थैंक यू मैम. थैंक यू मी टू हैव मी हियर. तो ये थे हमारे साथ विक्रांत कपूर. ही इज MD ऑफ एंजल पैराडाइज एंड ग्रेस हेल्थ केयर. बहुत ही अच्छा जो हमारा आज का ये इंटरव्यू रहा है. एंड यू नो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ योर स्ट्रगल्स, योर चैलेंजेस, और बने रहना है जिंदगी में. So he is a very very successful example of a serial entrepreneur. क्योंकि एक बार हम business start कर लेते हैं, एक बार हम कोई काम शुरू कर लेते हैं तो हम उसमें ही गुम हो जाते हैं. मैं भी उनमें से ही हूँ कि business हमने setup करके दूसरे में कैसे shift करना है, उसको भी grow करना है. Because when we start businesses in our own area, in our own city,
वी हेल्प पीपल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, वी हेल्प पीपल टू गेट जॉब्स ओवर हियर, वी यू नो इन्वेस्ट आवर टाइम इन ग्रूमिंग पीपल. हम अपने देश को और बेहतर कर रहे हैं और बेटर कर रहे हैं और यहाँ पे रह के अपने पेरेंट्स के पास रह के कर रहे हैं. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग फॉर एनी एंटरप्रेन्योर हु इज ट्राइंग टू डेवलप हिज बिजनेस फ्रॉम हिज ओन सिटी और विलेज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनदीप कौर सिद्धू शो.